अब टीम इंडिया अगर ये पांच बड़े कदम उठाएगी तभी वनडे विश्व कप जीत पाएगी। अगर फिर से ये गलतियां दोहराएगी तो अपने ही घर में हार कर बाहर हो जाएगी। अब बीसीसीआई के टारगेट पर पांच खिलाड़ी विश्व कप में मौका मिल सकता है। इस बारी पांचों तूफान मचाते हैं, अपने दम पर मैच जिताते हैं। अगर इस प्लेइंग 11 को टीम इंडिया ने दे दिया मौका तो छप्पर फाड़ देगी, हर टीम को जमीन में गाड़ देगी। बीसीसीआई वालों, अब इस टीम को खिलाओ, विश्व कप जीत जाओ। धोनी के बिना टीम इंडिया नहीं जीत पाएगी। इस बार धोनी की मदद जरूर ली जाएगी। धोनी बताएंगे टीम इंडिया को चैंपियन बनाएंगे। जी, पिछले 10 सालों से टीम इंडिया ये देख चुकी है कि धोनी के बिना हम विश्व कप नहीं जीत सकते। बेशक कोई भी कप्तान बनाया जाए लेकिन वो विश्व कप नहीं जीता पाएगा। लेकिन अब बीसीसीआई के दिमाग में वो चल रहा है जिसके बाद साल 2023 का वनडे विश्व कप हमारा ही हो सकता है। लेकिन उसके लिए पांच बड़े कदम उठाने होंगे। अगर टीम इंडिया को विश्व कप जीतना है तो कुछ खिलाड़ियों को टीम के अंदर लाना होगा और सबसे बड़ी बात, धोनी को ये जिम्मेदारी सौंपनी होगी। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको टीम इंडिया के विश्व कप जीतने का फार्मूला बताते हैं। नंबर वन, बीसीसीआई को सबसे पहले ये देखना होगा कि टीम इंडिया किस वजह से हार रही है। अभी तक जो बातें समझ में आ रही हैं वो ये है कि कप्तानी को लेकर 2023 के विश्व कप से पहले बीसीसीआई को सबसे पहले अपना कप्तान बदलना होगा और एक ऐसे खिलाड़ी के साथ में जाना होगा जिसके हाथ में उसको कप्तानी दे उसके अंदर कारनामा करने की करतूत और कुवत हो, जैसे कि हार्दिक पांड्या। नंबर दो फैसला, कप्तान को बदलने के बाद भी सही खिलाड़ियों को खोजना होगा। ऐसे खिलाड़ी को चुनने होंगे जो बड़ा नाम ही नहीं लेकिन बड़ा कारनामा कर सके, जो टीम पर बोझ ना बने। इसके लिए बीसीसीआई को कुछ अपने चहेते खिलाड़ी को ही बाहर बैठाना होगा। खिलाड़ी चुनने का फैसला अगर कप्तान पर छोड़ दिया जाए तो और बेहतर होगा। नंबर तीन, ये परेशानी टीम इंडिया की सबसे बड़ी परेशानी में से एक है, आपसी मतभेद। किसी भी टीम को बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है, जबकि टीम इंडिया को देखकर साफ पता चलता है कि टीम में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अगर आपको अपने घर में विश्व कप जीतना है तो सबसे पहले टीम को एकजुट करके खिलाना होगा। इसके लिए कुछ भी बड़े फैसले लेने की जरूरत पड़े तो आप उसको लीजिए। नंबर चार, ये बात कि धोनी की टीम से सीखनी होगी कि धोनी की टीम में हर खिलाड़ी अपने आप में चैंपियन खिलाड़ी था। खिलाड़ी को अपने खेल पर भरोसा था और हर खिलाड़ी ये बात जानता था कि वो अपने दम पर मैच जिता सकता है और उसका नतीजा भी मैदान पर मिलता था। अगर टीम इंडिया को वह विश्व कप जीतना है तो खिलाड़ी के अंदर जीत की भूख भरनी होगी। इस टीम के अंदर जीत के लिए जज्बा दिखाई नहीं देता, जो कि किसी टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। नंबर पांच, ये बात भी हर चैंपियन टीम के लिए बहुत जरूरी है, वो मैदान पर उतरते ही अपनी सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ उतरे। मैदान पर उतरने से पहले धोनी अपनी टीम से निडर होकर खेलने की बात कहते थे। धोनी का कहना था कि हार और जीत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन निडर होकर खेलना और आखिरी दम तक जीत के लिए लड़ना, ये हमारे हाथ में है। लेकिन आज की टीम में वो जोश और कप्तान के अंदर वो सोच नजर नहीं आती। वही बात अगर खिलाड़ी की करें, टीम में रिंकू सिंह जैसा धुरंधर खिलाड़ी है, यशस्वी जायसवाल जैसा नौजवान खिलाड़ी है, उमरान जैसा गेंदबाज, तिलक वर्मा जैसा बेखौफ बल्लेबाज टीम इंडिया में है। अगर इन जैसे खिलाड़ियों को विश्व कप टीम इंडिया में मौका मिलता है तो टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो आपका हमारे इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें।